कोरोना महामारी के चलते सरकार ने लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश जारी किया था, लेकिन जिन इलाकों में साल भर से बिजली नहीं आई, ऐसे इलाकों में भीषण गर्मी के दौरान लोगों के क्या हाल हुए होंगे, ये सोचने वाली बात है। हम बात कर रहे हैं सतना जिले की, जहां इटमा, कोठार, सेमरा, हरिजन बस्ती और सैलहना जैसी ग्राम पंचायतों में बीते एक साल से ट्रांसफार्मर जले होने के कारण बिजली नहीं है। यहां लोग चिमनी और लालटेन के सहारे जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। स्कूली बच्चे भी चिमनी के सहारे पढ़ाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, साल भर से बिजली नहीं होने के बावजूद यहाँ लोगों को बिल थमाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बिजली के अलावा लोगों को पेयजल की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों की माने तो उनकी समस्याओं पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में वे उग्र आंदोलन करेंगे। लाइट जाने की यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ लाइट बिजली ही नहीं है। कोरोना के चलते गरीब लोग बिल नहीं दे पाए, पर हम पहले 12,000 रुपए जमा किए, 3-4 हजार रुपए जमा कराए हैं, तो इसका बिल 21,000 जमा कराए। 12 ट्रांसफार्मर का बिल है, इस ट्रांसफार्मर का बिल नहीं है। को सितंबर का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, आज तक कम से कम उसमें भोपाल हेल्पलाइन में वहाँ से कोई जवाब नहीं है। वो बोल रहे पैसे के लिए, अब वो कहते हैं कि इसका बिल है, इसका बिल नहीं है। उस ट्रांसफार्मर का बिल, बड़ा ट्रांसफार्मर, छोटा ट्रांसफार्मर, और ये